नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मस्ती चैनल में। यहाँ पर हम करते हैं सभी प्रकार के मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग। तो आज हमारे पास पहला स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स हॉट 8 और दूसरा स्मार्टफोन वीवो U20। दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करेंगे, एक साथ नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक डिजाइन, कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक पर। सबसे पहले बात करें इन्फिनिक्स हॉट 8 की, ओनली 7000 रुपीज में आपको ये स्मार्टफोन मिलता है, जिसमें आपको मिलती है 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज। रियर में ट्रिपल कैमरा दिए गए हैं, 13+, 2+ लो लाइट सेंसर कैमरा विद AI ब्यूटी मोड के साथ। फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल और बैटरी आपको इसमें मिलती है 5000 mAh की। वहीं बात करते हैं वीवो U20 की, तो 4000 और ऊपर देके आपको 11000 में वीवो U20 मिल जाएगा, जिसमें आपको मिलती है 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज। रियर में आपको 16+, 8+, 2 मेगापिक्सल के ट्रिपल AI कैमरा दिए गए हैं और फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का, और बैटरी आपको इसमें भी 5000 mAh की दी गई है। बाकी वीडियो में आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है दोनों मोबाइल में, खास बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं दोनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। ये है दोनों स्मार्टफोन जो आते हैं कुछ ऐसी पैकिंग के साथ। बैक साइड थोड़े बहुत हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं, जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बता रहूंगा। तो जल्दी से कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को ओपन और सबसे पहले नजर डालते हैं कंटेंट पर। दोनों मोबाइल के बॉक्स को ओपन कर लिया है। सबसे पहले इन्फिनिक्स हॉट 8 पे नजर डालें तो हमें सबसे ऊपर स्मार्टफोन देखने को मिलता है और इसमें भी हमें कुछ हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं। इसे हम फिलहाल के लिए रख लेते हैं साइड में और अंदर देखें तो एक चार्जर अडेप्टर और एक USB केबल हमें इसमें दी गई है। नॉर्मल चार्जर है ये 10W का, जिसकी आउटपुट रेटिंग हमें मिलती है 5V 2A, और इसके साथ मिलने वाली USB केबल आपको मिलती है नॉर्मल USB केबल। इसके बाद अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं और अंदर हमें एक कवर भी दिया गया है मोबाइल की सेफ्टी के लिए, और स्क्रैच कार्ड भी आपको इसके साथ मिल जाता है। तो कवर आप देख सकते हैं, काफ़ी कमाल का कवर आपको इसके साथ मिल जाता है। फ्लेक्सिबल ये कवर है और इस पर काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग की गई है, तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसी डिजाइनिंग कवर पर आपको मिलती है। इसके बाद बॉक्स एम्प्टी हो गया है और नजर डालते हैं वीवो U20 पे, तो सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स दिया गया है, जिसके अंदर हमें सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और IMEI स्टिकर्स दिए गए हैं, और इसमें भी आपको मिल जाता है एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन का मोबाइल कवर फोन की सुरक्षा के लिए। इसे भी हम साइड रख लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्मार्टफोन, फिलहाल के लिए इसे भी रख लेते हैं साइड में, और अंदर देखें तो यहाँ पर हमें एक चार्जर अडेप्टर और एक USB केबल दी गई है। 18 वॉट का फास्ट चार्जर है, जिसमें आपको मिलती है 5V 2A और 9V 2A की आउटपुट रेटिंग। तो 5000 mAh की बैटरी को काफ़ी जल्दी ये चार्ज कर लेता है। USB केबल की बात करें तो इसमें आपको नॉर्मल USB केबल दी गई है, यानी कि दोनों स्मार्टफोन में आपको टाइप सी USB केबल नहीं मिलती है, और ये भी हो गया है खाली। और अब नजर डालते हैं स्मार्टफोन पर, और ये है दोनों स्मार्टफोन। फ्रंट लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है दोनों स्मार्टफोन का। वीवो U20 में आपको स्क्रैच गार्ड ऑलरेडी लगा हुआ मिल जाता है, हालांकि ये स्क्रैच गार्ड कुछ टाइम तक साथ देते हैं, काफी जल्दी इन पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, इसलिए आपको एक टेम्पर्ड ग्लास परचेस करके इन पे लगाना चाहिए। दोनों मोबाइल के बैक पैनल देखें तो काफ़ी कमाल की फिनिशिंग आपको दोनों मोबाइल के बैक साइड में देखने को मिल जाती है। इन्फिनिक्स हमारे पास कॉस्मिक पर्पल कलर में है और ब्लेज ब्लू कलर में हमारे पास वीवो U20 है, तो दोनों में आप देख सकते हैं काफ़ी ग्लोसी लुक आपको बैक साइड में देखने को मिल जाता है। इन्फिनिक्स हॉट 8 में राइट साइड में पावर ऑन की वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ मिल जाते हैं। ऊपर की साइड आपको सेकेंडरी माइक नहीं दिया गया है, लेफ्ट में आपको मिलती है सिम ट्रे, बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल सब कुछ बॉटम में आपको एक साथ मिल जाता है। बैक साइड इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर और रियर में ट्रिपल AI कैमरा दिए गए हैं, 13+, 2+ लो लाइट सेंसर कैमरा आपको विद LED फ्लैश लाइट मिल जाता है, और फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं बात करते हैं वीवो U20 की, तो इसमें भी राइट साइड में आपको मिल जाती है पावर ऑन की वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड कुछ नहीं है, लेफ्ट में आपको मिलती है सिम ट्रे और बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल सब कुछ बॉटम में आपको मिल जाता है। बैक साइड वीवो की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर और रियर में आपको मिलते हैं ट्रिपल AI कैमरा 16+, 8+, 2 मेगापिक्सल के विद LED फ्लैश लाइट।
फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोनों मोबाइल की हाइट की बात करें तो इन्फिनिक्स हॉट 8 में 165 मिलीमीटर की हाइट आपको मिलती है और वीवो U20 में 162.15 मिलीमीटर की हाइट दी गई है। थिकनेस की बात की जाए तो इन्फिनिक्स हॉट 8 में 8.7 mm की और वीवो U20 में 8.89 mm की थिकनेस दी गई है। दोनों मोबाइल का वेट जान लेते हैं तो इन्फिनिक्स हॉट 8 का वेट है 179 ग्राम और वीवो U20 का वेट है 193 ग्राम, यानी कि वीवो U20 हैवी है इन्फिनिक्स हॉट 8 के मुकाबले। दोनों स्मार्टफोन की पावर को हमने कर दिया है ऑन, तो ब्राइटनेस हमने फुल कर दी है, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसी डिस्प्ले क्वालिटी हमें दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। आइकन कुछ ऐसे दिए गए हैं और वीवो U20 में आपको लेफ्ट राइट करने पे सारे के सारे ऐप देखने को मिलती है और इन्फिनिक्स हॉट 8 में आप स्क्रॉल अप करें तो यहाँ पर आपको सारे की सारी ऐप देखने को मिल जाती है। कई ऐप, ब्लॉटवेयर ऐप आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल मिल जाती है दोनों स्मार्टफोन में, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार अपनी पसंद की ऐप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल की डिस्प्ले साइज की, तो इन्फिनिक्स हॉट 8 में आपको मिलती है 6.52 इंच की HD+ IPS LCD और वीवो U20 में आपको मिलती है 6.53 इंच की फुल HD+ IPS LCD। इन्फिनिक्स हॉट 8 में एस्पेक्ट रेशो 20:9 का है। स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल का दिया गया है। पिक्सल डेंसिटी 269 PPI की, जबकि वीवो U20 में आपको मिलती है 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशो। स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल का है और पिक्सल डेंसिटी आपको 395 PPI की इसमें मिलती है। अब नजर डालते हैं सेटिंग में। सबसे पहले इन्फिनिक्स हॉट 8 की हम सेटिंग में चले जाते हैं और सेटिंग में सबसे नीचे सिस्टम का ऑप्शन दिया गया है। कस्टम UI हमें इसमें XOS की चीता 5.0.2 वर्जन दिया गया है। 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, 8MP फ्रंट, 13MP रियर कैमरा, 2GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर हमें इसमें मिलता है। चिपसेट MediaTek Helio P22 का आपको इसमें दिया गया है। 5000mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है। एंड्रॉयड वर्जन 9Pie हमें इसमें दिया गया है। वहीं नजर डालते हैं वीवो U20 की सेटिंग में, तो सबसे ऊपर माय डिवाइस दिया गया है और इसमें हमें कस्टम UI फन टच OS वर्जन 9.2 दिया गया है। एंड्रॉयड वर्जन 9Pie मिलता है। प्रोसेसर 2GHz का ऑक्टा कोर और चिपसेट आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का। बाकी आपको इसमें 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज है और दोनों स्मार्टफोन में आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256GB तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि दोनों स्मार्टफोन में 256GB तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट कर सकता है। बाकी मोर सेटिंग में चले जाते हैं तो इसमें हमें सिक्योरिटी पैच लेवल 1 नवंबर 2019 का दिया गया है। दोनों मोबाइल के रियर कैमरा को एक साथ ऑन करके देखें तो कुछ ऐसी क्लैरिटी हमें दोनों मोबाइल के कैमरा से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्लैरिटी हमें दोनों स्मार्टफोन के कैमरा से मिल जाती है। सबसे पहले इन्फिनिक्स हॉट 8 का कैमरा देखते हैं, तो इससे हम जूम करके देख लेते हैं तो पूरा हम 8x तक जूम कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा हमें इसमें जूम देखने को मिलता है। वहीं वीवो U20 का जूम देखें तो इसे भी हम जूम कर लेते हैं, पूरा का पूरा हम इसमें 10x तक जूम कर सकते हैं, तो ये हमने पूरा 10x तक जूम कर दिया है, तो काफ़ी अच्छी क्लैरिटी हमें 10x जूम पर भी देखने को मिल जाती है। और ये है दोनों मोबाइल से ली गई सेल्फी, कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है, और ये रियर कैमरा से ली गई पिक्चर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर का थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा होगा दोनों मोबाइल के कैमरा से, तो कमेंट बॉक्स में बताइए किसका कैमरा आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब नजर डालते हैं दोनों मोबाइल के फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक पर, तो दोनों मोबाइल में हमने लॉक सेट कर दिया है। सबसे पहले फिंगरप्रिंट सेंसर का टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम फिंगर को टच करते हैं, बिल्कुल सेम वर्क कर रहे हैं दोनों स्मार्टफोन। थोड़ा स्पीड के मामले में वीवो U20 फास्ट है इन्फिनिक्स हॉट 8 के मुकाबले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने फिंगर टच की और ये तो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं दोनों मोबाइल के फिंगरप्रिंट सेंसर। और अब फेस अनलॉक के लिए हम सारे फिंगर्स को कर लेते हैं आगे और मोबाइल को करते हैं लॉक और फेस को ले आते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 स्टार्ट, तो यहाँ पर भी वीवो U20 फास्ट है इन्फिनिक्स हॉट 8 के मुकाबले, तो ये देख सकते हैं। तो काफ़ी टाइम ले रहा है इन्फिनिक्स हॉट 8। दोनों की साइड को हम चेंज करके देख लेते हैं,
तो फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट सेंसर फास्ट है वीवो U20 का। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों मोबाइल में से आपको कौन सा मोबाइल अच्छा लगा। अगर आपका बजट कम है 7,000 रुपये तक की रेंज में आप मोबाइल लेना चाहते हैं तो इन्फिनिक्स हॉट 8 काफ़ी अच्छा मोबाइल आपको मिल जाता है, 4GB रैम के साथ ट्रिपल कैमरा दिए गए हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। वहीं अगर आपका बजट अच्छा खासा 10,000 से ऊपर लेने का है तो वीवो U20 आप ट्राई कर सकते हैं, और इसके अलावा भी आपको कई और ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आपने परचेस किया हुआ है दोनों में से कोई सा भी मोबाइल तो मोबाइल के बारे में कोई भी जानकारी हो, अच्छाइयां बुराइयां, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी मदद मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर दें।